नमस्कार दर्शकों, मैं सुची आपको वेलकम करती हूँ हमारा और आपका प्यारा सा चैनल ब्लूम टू एक्सप्लोर में। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। आपका प्यारा प्यारा कमेंट भी दीजिए जो हमें नया नया जगह एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ से देखिए हैदराबाद का लुक कितना अच्छा लग रहा है। देखिए नजारा बहुत ही सुंदर है। चलिए लेट ना करके लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये उस्मानी सागर है। यहाँ पर छोटा सा डैम बनाया गया है और यहाँ पर देखिए पावर जनरेट भी किया जाता है। जंगल देखिए, ग्रीनरी तो आप आजकल तो ये व्यू देखने के लिए ही नहीं मिलता। कितना सुंदर व्यू है। थोड़ा सा ऊपर है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा आने के लिए, लेकिन मस्त आप ये जगह जरूर आइएगा, आपका पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सनसेट का जो ये वाला पार्ट आप मिस मत कीजिएगा, इवनिंग टाइम में मस्ट आइएगा यहाँ पर। आइए हमारे भैया से मिलिए, प्रियव्रत भैया, और ये यहाँ पर हैदराबाद में रहते हैं, इस लोकेशन के बारे में आपको बताएंगे। गांधीपेट पार्क इज़ ए वेरी नाइस पार्क। आप यहाँ पे क्या मतलब कंप्लीट नेचर को फील कर सकते हैं। मतलब पूरा ओपन स्पेस है, लेक का व्यू ले सकते हैं और व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट में आप चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा खुला मैदान हरी भरी दिखेगा, ऊँची ऊँची बिल्डिंग भी दिखेगा, मस्त आनंद ले सकते हैं इस जगह पर। तो देखिए आप इन्जॉय कीजिए, कभी आप यहाँ पर आइए हैदराबाद में। देखिए मुझे कैसे पकड़ा है, ये बैग पकड़ा हूँ, ये दूसरा बैग पकड़ा हूँ और सारे 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 मतलब मुझे यहाँ पे मतलब क्या बना दिए हैं, वैसे कुली बना दिए हैं इधर। देखिए पूरा गेटअप नंबर वन। देखिए हाँ, और इधर देखिए बच्चों का खेलने के लिए भी फैसिलिटी है। बच्चे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं। विंटर के सीजन में आप आइएगा तो और भी यहाँ पर फ्लावर्स ये सब अच्छा देख सकते हैं, क्योंकि अभी समर सीजन है तो मैक्सिमम मुरझाए हुए हैं। तो उसके बाद भी लोकेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, छोटा सा है लेकिन अच्छा लग रहा है।
गोफू तो जब जब से आया है वो खेल ही रहा है, उसको पसंद है। गर्मी 40 डिग्री अभी है हैदराबाद में, उसको फील नहीं हो रहा है, वो इतना इंजॉय कर रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, इवनिंग टाइम में ये जगह बेस्ट है। आप मॉर्निंग के टाइम में वो जितना अच्छा आपको नहीं लगेगा, इवनिंग में आप ज़रूर आइएगा। अंदर टॉयलेट का ही फैसिलिटी है, आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू बोर्ड, वहां पर लिखा हुआ है टॉयलेट। अभी हम सनसेट पॉइंट पर जा रहे हैं, दूर से देखिए कितना माइंड ब्लोइंग व्यू है। और यहाँ पर सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है, गंदगी ऐसा कुछ नहीं है कि चारों ओर गंदा गंदा चीज़ें है कि या पॉलीथीन ऐसा कुछ आप नहीं देख सकते। अच्छा मेंटेन किया गया है यहाँ पर इस पार्क में। हस्बैंड वाइफ रोमांस में लगे हुए हैं, बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं उनको ध्यान नहीं है। देखिए बच्चे कहाँ पर है, हाँ अभी इधर ना यार। एक बहुत सारा फूल लगाए हुए हैं, ये समर सीजन है ना, थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, लेकिन विंटर सीजन में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पीछे भी देखिए बहुत फ्लावर्स लगाए गए हैं, बड़ा बड़ा फ्लावर्स। अभी तो इवनिंग हो गया है और देखिए आगे चलते हैं क्या है और देखते हैं। आपको गर्मी भी नहीं लगेगा यहाँ पर आएंगे तो। देखिए अभी 40 है हैदराबाद का टेम्परेचर, लेकिन आपको गर्मी नहीं लगेगा और टाइम स्पेंड करने के लिए ये जगह बहुत अच्छा है विद फैमिली, बोर नहीं होंगे, बच्चे भी खेलेंगे, बच्चे भी बोर नहीं होंगे। आप कुछ टॉय लेकर आएंगे, बॉल हो या बैडमिंटन हो, बच्चे भी खेलेंगे बड़े हो या छोटे। फ्लावर्स सब सूख गया है, नहीं तो व्यू कितना अच्छा होता है। और आपको पीकॉक का साउंड कैप्चर हो रहा है कि नहीं वीडियो में सुनाई दे रहा है।
अभी देखिए कम्प्लीटली रात हो गया है, 7 o'clock बज गया है, अभी हम चलते हैं, रिटर्न करते हैं, चलिए और एक नया जगह एक्सप्लोर कर लें। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नई जगह नया एक्सप्लोर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।